हम लोग आए हैं इस रेलवे स्टेशन में और अगले 24 घंटे हम लोग गुजारने वाले हैं इस ट्रेन में। गैस अभी टाइम हो रहा है 6:53। बाहर आप लोग मौसम देख सकते हैं, सूरज डूब होने को आया है। हम लोग जाएंगे यहाँ से कल सुबह, पूरी रात हम लोगों ने यहीं पे गुजारनी है गैस, और ये रियल चेंज होने वाला है और आज तक का हमारा सबसे ज्यादा एक्सट्रीम चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बस खाने पीने को इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये नूडल लाए थे और इसको पानी बनते तो ये पानी की बोतल हमने ले ली थी, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है गैस, पीने का पानी भी नहीं है, गर्म पानी है क्योंकि गर्म बोतल ही मिलती है। चलते हैं अपना चेंज आज का स्टार्ट करते हैं। सो गैस हम लोग ज्यादा देर ट्रेन में रह नहीं सकते क्योंकि गैस ट्रेन आती है, आधे घंटे का स्टॉप लेती है यहाँ पे और फिर चली जाती है। हम लोग खड़े रहते हैं गैस, यहाँ पे ट्रेन थी, ट्रेन निकल चुकी है। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा इस ब्रिज पे। इस ब्रिज पे जो सुकून है ना गैस, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, व्यू चेक करो यार जरा, हाय हाय हाय, सामने रोड का व्यू भी आ रहा है और क्या ट्रेन वगैरह गुजर रही है गैस, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी तो मजा आ रहा है लेकिन हमारे को नहीं पता हमारे लिए चैलेंज कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रात पूरी यहीं पे गुजारनी है और रात को सुना है कि भाई ट्रेन स्टेशन में सन्नाटा हो जाता है गाइस। आज हमें घर वालों ने घर से निकाल दिया, सोचा हम लोग आ गए ट्रेन स्टेशन में रात बिताने। तो गाइस नमाज का टाइम हो चुका है, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं और वो देखो सामने जो नमाज पढ़ते हैं लोग, मुसाफिरान जाए नमाज है, मतलब यहाँ पे जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बाकी का शूट अपना कंटिन्यू करते हैं। चलो तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और प्रॉपर अंधेरा हो चुका है रेलवे पे, रश भी सारा खत्म हो गया क्योंकि इस टाइम पे ट्रेन वगैरह कम आती है, रश वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गया। पीछे दिखाया अगर मेरा कैमरामैन तो गाइस पहले इतना रश था यहाँ पे, लोग ही लोग थे, अब सारे लोग जो है गायब हो चुके हैं। अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं और हमें पूरी रात यहीं पे रहना है। सबसे पहले जो है अपनी पूरा रेलवे जो अपने कराची का रेलवे पूरा एक्सप्लोर करते हैं, पूरा देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। गाइस थोड़ा आगे आने के बाद इतना सन्नाटा हमारे को आगे मिला है, देखो यार आगे सन्नाटा दिखाओ। यहाँ पे ना ट्रेन ना पटरियां भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, हम यही रेलवे जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। ठीक है, इस साइड में हमारे को सारे जंगलात ही जंगलात नजर आ रहे हैं, यहीं पे हम लोग जो है अपना नूडल्स वगैरह बनाएंगे। यार हमारे जो कराची का रेलवे ना लाइटिंग बहुत ज्यादा कम है, देख रहे हो आप लोग फ्लैश वगैरह ऑन किया हुआ है तब जाके आपका भाई जो थोड़ा साफ चेहरा नजर आ रहा है, वरना तो गाइस बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे अंधेरा है। हम लोग लाइट भी साथ बैग में लाए और खाने पकाने का सामान भी सारा बैग में लाए, ट्राइपॉड भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। फिर गाइस आगे चलते हैं पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फिर दोबारा चलते हैं। पीछे हमारे को एक ट्रेन नजर आई है, वो खड़ी हुई है, अगर हमारा कैमरा मैन जूम करके दिखाए वो खड़ी हुई, लेकिन वो माल वाली ट्रेन है, हम लोग उसी पे जाके बैठ जाएंगे। उसके आगे ना मशीन नहीं लगी हुई, वो मेरे को लगता है कि सुबह तक यहीं पे होगी क्योंकि उसके आगे इंजन ही नहीं लगा हुआ, तो गाइस वहीं पे जाके जो बैठेंगे वो हमें मतलब हमारा सर्वाइव इजीली हो जाएगा उसपे। चलते हैं आगे और आगे जाके जो है बाकी चीजें देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बिजनेस क्लास में, ठीक है एसी चल रहा है फुल एयर कंडीशन में, हम लोग खड़े हैं जब तक ये घड़ी है तब तक एसी की आवाज खाते हैं। आगे जगह क्या, वॉशरूम में आ गया यार, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आगे लड़कियाँ खड़ी हुई है गाइस, आगे लड़कियां खड़ी हुई है, हम लोग वापसी यहीं पे खड़े हुए सही है गाइस, बड़ा जो है ना कूल कूल फील हो रहा है। बाकी ट्रेन में यहाँ खड़े हो ना वॉशरूम की बदबू वगैरह आ रही है, स्मेल वगैरह आ रही है, यहाँ जो है बहुत ज्यादा जो है ना एसी की ठंडी हवा आ रही है, ऐसा ना हो जैसे ट्रेन चले बंद हो जाए भाई, यही खराब हूँ मैं, तुम कैमरा मैन अंदर हो जाओ, थोड़ी एसी की आवाज खाते फिर देखते हैं। मैगी भी तो नूडल भी लिए हैं, वो भी बनाने हैं यार, देखते हैं क्या करते। सो गाइस आपका भाई बिजनेस क्लास के अंदर आ चुके हैं, देखो यहाँ जो है ना गेट वेट लगे तो ऊपर बहुत बेहतरीन है, आप बिस्तर है मजे में जो है ना लेटा हुआ है ट्रेन अचानक। अच्छा मजे की बात बिजनेस क्लास में जो आपको एलसीडी भी मिलती है सामने लगी हुई, ओए ओए आप जो है इधर फुल जो है ना शशके फुल शशके में। चलो भाई बाहर चलते हैं, ट्रेन चलने वाली है, अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन चलने की, डर भी लग रहा है, एक दो डब्बे चेक तो कर लेते हैं, कैमरा मैन इशारे कर रहा है बाहर आ जाए, अनाउंसमेंट हो रही है, फिर अब जो है आगे चलते हैं देखते बाकी है। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है देखो इतनी रात हो गई है कि बंदे जो है सो रहे हैं, घर नहीं चलते अभी, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है हमने जाके नूडल बनाने, आगे जो है एक ट्रेन अभी वो दूर से जो है आ रही है और आगे जो जंगल जंगल है सारा, हमारे को दोबारा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे को जो ना आग लगानी है और आग के लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ जो कि यहाँ नहीं मिलेंगी, हमारे को जाना पड़ेगा थोड़ा आगे, लकड़ियाँ खुद ढूंढनी पड़ेंगी और फिर जो है हम लोग आग जलाएंगे। हम लोग आग जलाने का सामान नहीं लाए, माचिस भी नहीं है हमारे पास, वो सामने एक दुकान है ठीक है वो खुली हुई है, देखो इतनी रात हो रही है दुकानें खुली हुई है अभी तक, तो गाइस वहां से हम लोग माचिस पकड़ेंगे और फिर जो है आगे जाके आग जलाएंगे और फिर अपना जो है नूडल्स वगैरह जो है बनाएंगे, फिर चलते फटाफट से आगे चलते देखते लकड़ियाँ वकड़ियाँ मिलती है। कुछ लकड़ियाँ तो हमने जमा कर ली है ठीक है, ये पड़ी हुई है, कुछ लकड़ियाँ और करनी है, मुझे लग रहा है काफी नहीं होंगी और हमें ये भी सोचना है कि आग कहाँ लगानी है, आगे सारा सन्नाटा सन्नाटा, ये इंजन ट्रेन का जो है ऑन पड़ा हुआ है पता नहीं क्या सीन है, और यहाँ से आगे जो है स्टेशन है कि आके मना नहीं कर रहे यार, हम जहाँ भी जाते ना हमें कोई ना कोई आके मना ही कर देता है कि भाई आप वीडियो ना बनाओ। गाइस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि यार किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, और यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं पूरी रात बाहर रहते हैं घर पे घर से बाहर और इसके अलावा इतनी मेहनत करते हैं गाइस, ये देखो लोग समझते हमारे, देखो लोग समझते हैं हमें घर से बाहर निकाल फिर गाइस अभी और लकड़ियां जमा करते हैं फिर आग लगाते हैं, हमारे को इतने ताने सुनने पड़े वहां भी मतलब लोगों के भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ये वो हम बैठे हुए कब से हो रहे हैं भाई ट्रेन आ रही है ये, खैर
छोड़ो सब कुछ, टिकटें जमा करते हैं, बाकी नूडल वगैरह बनाते हैं अपने और एंजॉय करते हैं। यार हमने क्या करना है, हमने आपको एंटरटेन करना है गाइस। आप लोग घर बैठ के हमारी वीडियो एंजॉय करो, ठीक है, और हमें सपोर्ट करो यार लाजमी से। सो गाइस उन्होंने मुझे लेने भेज दिए ब्लॉग, दो ब्लॉग जिसके ऊपर हम पतीला रख सके। सन्नाटा इतना हो रहा है ना भाई, ये चेक करो। अभी मैं ब्लॉग लेता हूं, तो गाइस यहां से तो ब्लॉग मिलना मुश्किल है, तो मैं फ्रंट कैमरा करता हूं, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, फ्लैश मुंह पे आ रहा है इस वजह से। खतरनाक जगह पे मुझे भेज दिया है भाई। अबे भाई कुत्ते यार यहाँ तो, मेरी तो फड़ाई भाई। चलो भाई काट वाट लें इससे पहले सांसे ना हालत में आ गई भाई। शेरी अबे कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं यार, ते भौंक रहे हैं तुम पे। बेटा बच गया मैं। खैर कोई बात नहीं यार, लेकिन पत्थर तो ढूंढने ना यार, वो तो करना है, बनाना तो है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम हमारे लिए कोई पिछली वीडियो जितनी भी आप लोगों ने देखी इतने मुश्किल नहीं था, जितना मुश्किल ये चैलेंज लग रहा है हमें, क्योंकि इसमें हम पूरी रात गुजार रहे हैं, बाकी पिछले किसी चैलेंज में हम लोगों ने रात नहीं गुजारी। मिल गया पत्थर। कब से यहाँ आगे से भी पत्थर मिला है, वो भी एक मिला है, दूसरा अरे मुश्किल से मिला है, ये पकड़ो। अच्छा तो गाइस मैं अभी एक और निकल चुका हूँ, मतलब लेने पत्थर, ठीक है। वहाँ तो कुत्ता था, खैर है भाई बच गए, तो अभी भी हाथ कप कप आ रहे हैं भाई। सो गाइस जैसे मैं थोड़ा सा आगे आया वापस जाने की तरह, मतलब उनकी तरफ जाने लगा, तो मुझे ये पत्थर मिल चुका है, काफी बड़ा है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है इससे काम आसानी से चल जाएगा, तो ये दिखाते हैं उनको, ठीक है। ये लो भाई ये पत्थर मिल चुका है, इतना बड़ा लकड़ियां निकाल रहा था, ये देखो भाई हालत ठहर हो गई है। मैंने तुम्हें मना किया था चाकू वगैरह ले आओ, तुम नहीं लाते। अभी मुझे जो है ना ये सुना रहा है कि यार तुमने ये कर दिया वो कर दिया, खैर कोई बात नहीं यार, होता रहता है। गाइस अभी मैं जाता हूँ, ठीक है, माचिस लेकर आता हूँ, तुम लोग यहाँ पे सेटअप करो, ठीक है, बाकी पतीली वतीली रखो, मैं जाता हूँ दुकान पे, देखता हूँ माचिस वाचिस मिलती है कि नहीं, नहीं मिली तो कहीं से मांगनी पड़ेगी, लेकिन माचिस हम लोगों ने रेलवे के अंदर से ही लेनी है, बाहर नहीं निकलना यहाँ से। चलो भाई मैं जाता हूँ माचिस लेकर आता हूँ। तो गाइस यार अभी कांटा चुभा था यार, बहुत तेज सुबह यार, आराम आराम से करना होगा काम। शेरी गए यार, वो आने वाला होगा, बोलेगा अभी तक कुछ सेटअप नहीं किया। माचिस तो मिल चुकी है, डल से भी ले ली थी, ये सब देखो कैसे सोए हुए सारे, वो एंड के कोने पे बैठे हुए, मैंने यहाँ शॉप से लिए, चलते हैं फटाफट वहाँ पे, और बाकी का काम देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया हुआ यार। हाँ भैया क्या किया अभी तक, माचिस मिल चुकी है भाई। ओहो भाई पतीली का सिस्टम तूने नोके कर दिया, सेटअप किया यार बहुत मुश्किल, सेटअप में कैसा आ रहा हूँ, प्यारा लग रहा है आपका भाई। ये तुम्हारे लिए मैं दाल से भी लाया था, पकड़ो खुश हो जाओ। जाओ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मजे करो। भूख लग रही थी गाइस, जैसे मुझे बोर रहा था यार, भूख लग रही है मुझे, और मैगी जल्दी से बनाओ यार, बहुत तलब हो रही है यार, मैगी खानी है यार। ओए होए होए होए, टाइम दिखाओ क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को टाइम ये हो रहा है, 10:11 बजने वाले हैं गाइस, ठीक है, और फुल सन्नाटा हुआ हुआ है पूरे रेलवे पे, दुकानें भी कुछ बंद हो गई हैं और कुछ खुली हुई थी जिनसे मैं लाया, पूरा रेलवे पीछे जो है ना सन्नाटे में, और हम लोग आगे आए हुए सन्नाटे में, ठीक है। अभी जो है फटाफट से आग लगाते हैं, नीचे जगह गम है, हाँ ये पौधों को हटा देंगे वाले, ये बहुत सारी पड़ी हुई नीचे ऐसी, अच्छा तो इसको इकट्ठा करके जलाएंगे, नीचे जरा देखते हैं, क्योंकि मैंने वो काफी पड़ी हुई नीचे, जाओ तुम इकट्ठा करो, ठीक है, हम लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं। गाइस सीन ऐसा हुआ हमारे साथ, ठीक है, हम लोग जब आए थे ना यहाँ इंटर हुए थे, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, मैंने मतलब एक क्लिप रिकॉर्ड करने की कोशिश की, रिकॉर्ड नहीं हुई, एक रिकॉर्ड हुई है एंड वाली ना, वो मैं आप लोगों के आगे आगे रखता हूँ, ठीक है। हम लोग अंदर गए, यहाँ काउंटर पे ना टिकट देने वाला जो बंदा बैठा हुआ था, हमने उसे बोला भाई हमें परमिशन चाहिए, हमने यहाँ शूट करना है, उसने बोला जाओ कोई मसला नहीं, आप शूट करो, भले जो करना है करो, ठीक है, शूट करो आराम सुकून से। हम लोग गए, हमने शूट किया, ठीक है, मतलब इधर ये होता है कि रात को ड्यूटी चेंज हो जाती है, दिन में ड्यूटी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर 12 के बाद जो है ना बंदा बदल गया, हम लोग वहाँ बना रहे थे गाइस चाय, हम लोगों ने सारा सेटअप बना लिया, तो वहाँ आ गए पुलिस वाले, ठीक है, और मतलब एक बंदा आया, उसने पुलिस वालों को कॉल की भाई यहाँ बंदे ऐसे ऐसे चाय बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। वहाँ आई पुलिस वाले, हमारे को थाने में बिठाया, बोलता है ये होगा वो होगा, डराया पहले खूब हमको, खैर हम डरे नहीं, फिर हमें जो है ना बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है यहाँ से चले जाओ, मतलब काफी वो करके, ये क्लिप मैं आप लोगों के आगे लगा रहा हूँ, ये देखो सबसे पहले तो पट्टी सीधी भाग जाएगी। नहीं सर थैंक यू, आपने छोड़ दिया, वरना तो बच्चे मेरे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हमारे को बुलवाया तो हम आपके पास से मैं हूँ, मैंने कुछ कहा आपको नहीं, चाय मत पकाओ, शूट करो, शूट करने का वो मना नहीं करता, लेकिन उसके नॉलेज में लादमी डालो, अभी हम यहाँ से जाए, अभी यहाँ से जाओ, ठीक है सर, जनाब अभी दोबारा नहीं आना है सर, ठीक है, आओगे तो पकड़ के, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, तो गाइस आप लोगों ने क्लिप तो देख ही ली होगी, एंड में जो है उन्होंने हमारे को बोला भाई अभी आप सीधा निकलो, ठीक है, प्यार से बड़ी बात की, एंड में वैसे हमारे को पहले डराया, फिर बीच में दोबारा प्यार से बात की। खैर गाइस अभी जो है चैलेंज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हम लोग, अभी जो है उन्होंने हमारे को सख्ती से मना किया है कि भाई अभी स्टेशन में नहीं आना, ठीक है, और आओगे तो भाई इसकी जो है ना फी लगती है, पता नहीं क्या पैसे देते हैं, ड्रामे जो शूट होते हैं यहाँ पे वो पैसे देते हैं, कुछ पता नहीं करते हैं, ऐसा आपको करना पड़ेगा, सब प्रोसेस होता है। मैंने बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इनकी बात भी सही है कि भाई यहाँ जो है आग वगैरह तो आप जला रहे हो, जैसे कि चाय बना रहे हो ना, तो हल्की सी चिंगारी इस पर चली गई ना ऑयल वगैरह पे, तो आग लग सकती है, लेकिन जहाँ हम बना रहे थे वहाँ ना इतनी ऑयल, हम लोग थल्ले पे बना रहे थे। खैर यार तुम क्या बोलोगे, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुंह खराब हो गया।
गैस पूरा रात का प्लान बना के आए थे कसम से, पूरे रात का। वो पता क्या बोल रहा था, बोल रहे थे अगर दोबारा आए ना आप तीनों तो 76 पड़ेंगे। खैर गैस अभी क्या कर सकते हैं यार, चिलिंग तो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो गाइस अभी एक बज रहा है, ठीक है हमें जो है अभी फटाफट घर चलना है। सारे सन्नाटे रास्तों में, यहाँ देखो सारा सन्नाटे सन्नाटा है। फटाफट घर पहुँचते हैं और फिर करते हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।